हेलो दोस्तों, चलिए आज हम फ्लावर ट्यूटोरियल बनाएंगे। डिजाइन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, उसके लिए हम 4 नंबर क्रोशिया लिए हैं। 4 प्लाई का उलन है जिससे हम बनाएंगे। आप लोग कोई भी उलन यूज कर सकते हैं या तो कोई भी क्रोशिया यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। तो बनाने के लिए पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे, उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पर हम 4 चेन कर रहे हैं। पहले वाले में लेके हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद हम 1 2 3 4 4 चेन करेंगे, फिर से डबल फंदे और ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे ऐसे। तो 3, देखिए 2 हुआ, फिर से ट्रिपल क्रोशिया, 3, फिर डबल फंदे, 4, 5। तो हम ऐसे ट्रिपल क्रोशे बनाते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हमने राउंड में पूरा 18 यानी 18 डबल क्रोशे बना लिया पूरा पूरा। पहले वाले में लिए कि हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद से हम यहीं पे फिर 1 2 3 4 4 चेन, डबल फंदे और उसके बगल में फिर हम बनाएंगे यहाँ पर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया। एक पास 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में हम एक जगह पर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए, फिर डबल फंदे, फिर उसके नेक्स्ट वाले जगह पे फिर एक पास हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, फिर डबल फंदे, फिर उसके नेक्स्ट पे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक पास हम दो दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हर एक में, जितना बनाए हैं, 18 बनाए हैं, 18 बनाए हैं, 18 जगह पूरा दो दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमने राउंड में पूरा दो दो एक पास ऐसे बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लिया। पूरा मेरा ये 36 यानी 36 हुआ है पूरा। ये नीचे 18 था, 18 था, ऊपर 36 हुआ है। अब ऐसे लेके हम बांधेंगे और ये कट करके निकाल लेंगे। देखिए, और इसे हम बैक साइड फिर लगा लेंगे। अब इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे और इसमें कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे बांध के, धागे को खींचेंगे, पफ बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5, 5 टाइम धागे को खींचेंगे, इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे, फिर 1 2 3, 3 चेन, फिर फंदे लेंगे। अब इसमें हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5, फिर ऐसे देखिए, फिर 1 2 3, 3 चेन, फिर फंदे लेंगे, फिर ये 2 छोड़ के यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे, फिर 1 2 3, फिर 3 चेन, फंदे लेंगे, फिर ये 2 छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। हमें एक भी बनाना है और एक स्किप करना है, 1 2 3 4, 1 5, फिर 1 2 3, 3 चेन, फिर बनाएंगे ऐसे। तो एक जगह पफ बनाएंगे, एक जगह नहीं बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे, एक जगह नहीं बनाएंगे। देखिए, ऐसे दो दो ट्रिपल क्रोशिया छोड़ के बना रहे हैं, बीच में 3 3 चेन, राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने ऐसे राउंड में पूरा कंप्लीट किया, पूरा दो दो हम छोड़ छोड़ के ऐसे बनाए हैं, एक एक पफ, पूरा 18 पफ हुआ है यानी 18 पफ ऐसे बना है पूरा पूरा। और फिर पहले वाले में ले के हम ऐसे बांध लेंगे और ये पहला जो चेन किए हैं उसमें ऐसे आके यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन, डबल फंदे,
ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, एक एक दो तीन चार, ऐसे फोर हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन कर लेंगे, डबल फंदे। फिर से हम सेम ऐसे ही एक दो तीन चार फोर हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन यहाँ ज्वाइंट करेंगे नेक्स्ट वाले चेन में, फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन फिर नेक्स्ट वाले चेन में, और फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, डबल फंदे। फिर यहाँ पर बनाएंगे हम सेम चीज़ें जैसा बनाए, एक दो तीन और एक बनाएंगे चार। देखिए फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, डबल फंदे, फिर सेम जगह पे एक दो तीन और एक बनाएंगे चार। देखिए उसके बाद फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फिर ऐसे, फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फिर इसमें, फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन करेंगे, डबल फंदे। फिर सेम चीज़ें इसमें हम बनाएंगे ऐसे, फोर ट्रिपल क्रोशिया और फिर फाइव चेन, फिर फोर ट्रिपल क्रोशिया। तो ऐसे बनाते हुए पूरे राउंड में बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे राउंड में बना कंप्लीट किया, और जो पहला बनाया है उसमें लेके ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसे हम बांध के कट कर लेंगे ऐसे, बैक साइड फिर लगा लेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये फ्लावर डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।